अगर हम सामान खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, व्यवहार करेंगे तो हिंदू से करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम सेकुलर पार्टी है, हर धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ही कुछ ऐसे हिंदू संगठन के लोग मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसे अभियान चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि RTT अभियान चलाया जा रहा है और RTT का मतलब होता है रोको टोको और ठोको। ये हिमाचल प्रदेश का वीडियो है, बताया जा रहा है हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम जिसको अभी आपने सुना है। अभी आपको सुनाता हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ क्या अभियान चला रहे हैं और कैसे लोगों को सिर्फ हिंदू से व्यापार करने के लिए ये भाषण दे रहे हैं। जरा पहले इसे सुनिए, उसके बाद क्या है पूरी खबर आपके साथ आगे चर्चा करता हूँ। बाहर से अवैध घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। और इतना निवेदन करने आया हूँ कि अपने समाज के साथ ही आचार और व्यवहार रखिए। अगर हम सामान खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, व्यवहार करेंगे तो हिंदू से करेंगे। लेकिन आज नेरवा की इस धरती पर खड़े होकर के आपसे आह्वान करने आया हूँ कि इस RTD अभियान को पूरे शिमला में चलाने का काम कीजिए। अब बहुत से बंधु कहेंगे कि भाई साहब RTD क्या है, तो मैंने कहा भाई आर से रोको। रोको कैसे रोकेंगे? अगर कोई आपके गांव में आ रहा तो उसको रोकिए कि भैया कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो। उसके बाद उसको टोको कि भैया यहां आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है, सब धर्म के लोगों को लेकर चलने की बात करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है। आपने सुना क्या कुछ कहा गया है। अब कांग्रेस इस सब को रोकने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर जिस तरीके से वहां पर जो बखेरा खड़ा किया गया, अब उसमें मुसलमानों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ हिमाचल प्रदेश से सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। द मुस्लिम ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, राज्य में मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम ने भाषण देते हुए लोगों से केवल हिंदू से व्यापार करने को कहा। उन्होंने लोगों से RTT अभियान शुरू करने का भी आग्रह किया। RTT का मतलब हो रहा है यहाँ पर रोको टोको और ठोको। तो ये सब कुछ हो रहा है हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद के आड़ में, जो आपको देखने को मिल रहा है मुसलमानों के दुकानों के ऊपर मार्क किया जा रहा है, मुसलमानों को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, मुसलमानों से व्यापार करने के लिए मना किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से कानून के खिलाफ है, असंवैधानिक है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और कांग्रेस की सरकार वहां पे कुछ भी नहीं कर रही है। यही सवाल अब खड़े हो रहे हैं जैसी तस्वीरें और जैसी खबरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। फिलहाल आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।